नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने रविवार सुबह प्रेस वार्ता में अपनी सरकार के खिलाफ धरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पिछली वसुंधरा सरकार के समय हुए घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने पर सीएम गहलोत को घेरा। पीएम मोदी के हाथों 12 अप्रैल को शुरू हो रही वंदे भारत ट्रेन का किराया लगभग तय हो गया है। ट्रेन की एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1375 रूपए और चेयर कार का 695 रूपए प्लस जीएसटी और कैंटरिंग चार्ज होगा। पहले दिन ट्रेन जयपुर से नई दिल्ली का सफर तय करेगी। दुष्कर्म मामले में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पत्र में डीजीपी को कहा कि जांच में अगर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत करने और आमजन तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गहलोत सरकार प्रदेश में नए पुलिस कार्यालयों, थानों एवं चौकियों को खोलने की मंजूरी दी। उन्होंने कार्यालयों के लिए 1369 पदों को सृजन और आवश्यक संसाधनों के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। सीपी प्रमुख शरद पवार इन दिनों उद्योगपति और अडानी पर दिए बयानों से चर्चा में हैं। पवार पर विपक्ष के अन्य नेता लगातार हमलावर हैं। अब पवार की आत्मकथा में गौतम अडानी को लेकर लिखी गई बातों का भी जिक्र होने लगा है। पवार ने अपनी आत्मकथा में अडानी की जमकर तारीफ की थी। इससे साफ है कि अडानी और पवार की दोस्ती करीब 2 दशक पुरानी है, जब वह कोयला क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। भारत की लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी भारती एयरटेल ने अपने नेटवर्क पर 1 करोड़ यूनिक 5G यूजर्स का आंकड़ा भी पार कर दिया है। एयरटेल 5G प्लस देश के लगभग सभी राज्यों में उपलब्ध है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बेटे और अली और शूटर साबिर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस कस्टडी रिमांड पर किए गए आरोपी राकेश उर्फ नाकेश ने शाइस्ता परवीन के बैग को छुपाया था। आगरा के एतमादौला थाना क्षेत्र के गौतम नगर में गुफा के पास गोकशी कर रामनवमी पर माहौल खराब करने की साजिश रची गई थी। पुलिस की विवेचना में अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी की इस मामले में संलिप्तता होने का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाए जा रहे। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गायक समर सिंह को शनिवार की शाम भारी गहमागहमी के बीच रिमांड मजिस्ट्रेट तृप्ति सिंह की अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इससे पहले पुलिस ने समर सिंह को 72 घंटे की कस्टडी रिमांड पर देने का अनुरोध किया। टीवी एक्ट्रेस और इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद अपने विवाह बयानों और अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में बनी ही रहती है। वह कई बार अपने कपड़ों को लेकर ट्रोल भी होती रहती, लेकिन उर्फी को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि पिछले दिनों उर्फी ने कहा था कि जल्द ही उनका बदला रूप देखने को मिले। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।